हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली पिटरपलस्सी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध जो है पंजाब से नहीं है सतलज रावी ब्यास या फिर ताप्ती तो आपको बताना है कि कौन सी नदी का जो संबंध है पंजाब से नहीं है तो यह जो है ताप्ती है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर टू है बुद्ध का अर्थ क्या है ज्ञान प्राप्ति धर्म उपचारक प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली तो जो बुद्ध है इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति ऑप्शन ई इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था सत्रह सौ छियासी या फिर सत्रह तो जो जी, जिला कलेक्टर है इसका पद कब बनाया गया था तो यह जो है सत्रह में बनाया गया था ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है या किसका मत था जियंस का सीले का प्लूटो का या फिर अब्राहम लिंकन का तो जो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है इसका यह किसका मत था तो यह जो है प्लूटो का मत था ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव है बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है तो जो बीसीजी टीका है इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है बेसिलस बेसिलस कैलमेट कैलमेट गैरीन गैरीन तो इसका आप लोग बताइएगा कि जो सी है इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है कैलमेट ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन, स्टैटिन, सीरियम या फिर वेनेडियम तो जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है तो यह जो है सिलिकॉन किया जाता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन है अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है स्वर्ण कोयला गैस या फिर तेल तो जो अंकलेश्वर है इसे या किसके लिए जाना जाता है तो यह जो है क्वेश्चन नंबर नाइन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है रायगढ़ सिरपुर सिवरी नारायण या फिर राजिम तो आपको बताना है कि कौन सा नगर जो है महानदी के किनारे नहीं बसा है तो यह जो है रायगढ़ ऑप्शन है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है राजपूत काल को गुप्त काल को चोल काल को या फिर मौर्य काल को तो जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग है किस काल को कहा जाता है तो यह जो है गुप्त काल को कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में स्वर्ण का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होता था क्वेश्चन नंबर इलेवन है इक्कीसवें अंतर्राष्ट्रीय फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया कर्नाटक गोवा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश तो इसका सही आंसर हैगा इस ऑप्शन बी गोवा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है बासठवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया आमिर खान अक्षय कुमार शाहिद कपूर या फिर मनोज वाजपेयी तो इसका सही आंसर हैगा इस ऑप्शन ए आमिर खान क्वेश्चन नंबर थर्टीन है किसी अमेरिकी किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ्रीडम से सम्मानित किया गया रोनाल्ड रीगन गोराल्ड फोर्ड जो बिडन या फिर रिचर्ड निक्सन तो इसका सही आंसर है इज ऑप्शन सी जो बाइडन जो है इन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है तो नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूलर डेवलपमेंट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूलर डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया अंबाला, रोहतक फ़रीदाबाद या फिर झज्जर, तो इसका सही आंसर है गाइज़ ऑप्शन बी रोहतक में जो है नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विश्व हिंदी दिवस जान जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है आठ जनवरी छः पाँच नौ जनवरी बारह जनवरी या फिर दस जनवरी तो आपको बताना है कि जो विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है तो यह जो है दस जनवरी को मनाया जाता है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है केरल ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर गोवा तो यह जो है महाराष्ट्र ने की है क्वेश्चन नंबर एटीन है टेलनेट का तात्पर्य क्या है टेलीफोन नेटवर्क टेलीविजन नेटवर्क टेली टाइम नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क या फिर टेलीफैक्स नेटवर्क तो जो टेलनेट है इसका तात्पर्य क्या है तो इसका तात्पर्य है टेली टाइम नेटवर्क क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा धान कपास गेहूं या फिर गन्ना तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है एक और तीन केवल तीन एक चार या फिर एक दो तीन तीनों तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की बड़ी किस फसल की कृषि जो है बड़े पैमाने पर की जाती है तो यह जो है पहली और चौथी मतलब धान और गन्ने की जो खेती है सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है तराई क्षेत्र में क्योंकि जो है तराई क्षेत्र में अधिक पानी होता है इसीलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इसरो ने एक साथ एक सौ चार उपग्रहों का को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया इससे पहले वर्ष 2014 में सैंतीस उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम है अमेरिका चीन जापान या फिर रूस तो यह रिकॉर्ड जो है रूस के नाम है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है नेपाल में भारत में तिब्बत में या फिर भूटान में तो जो मानसरोवर झील है कहाँ पर स्थित है तो यह जो है तिब्बत में स्थित है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है और गाइज अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है हाइड्रोजन एक तत्व तो है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व तो है हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोट मिश्रण बनाते हैं तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन से रिलेटेड कौन सा सही गलत है तो इसमें से जो है हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं ऑप्शन सी का इसका गलत आंसर है क्योंकि हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन एक हल्का तत्व होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं विस्फोटक मिश्रण से बनाते हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है चौदह सोलह दस या फिर बारह तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए चौदह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है पच्चीस वर्ष तीस वर्ष तीस वर्ष या फिर चालीस वर्ष तो जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम सीमा है या कौन सी है तो यह जो है तीस वर्ष है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है हाल ही में यूपी ट्रिपल सी का अध्यक्ष कौन बना चंद्रपुर से पालीवाल राजीव मिश्रा ओ पी मिश्रा या फिर आशुतोष पांडे तो ये जो है इसमें से कोई भी नहीं होगा तो इसका आंसर होगा प्रव, प्रवीर कुमार इसे आप लोग याद रखिएगा प्रवीर कुमार जो है यूपी ट्रिपल अस्सी के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है मौद्रिक नीति का कर नीति का कृषि नीति का या फिर राजकोषीय नीति का तो जो नगदी रिजर्व अनुपात है किसका उदाहरण है तो यह जो है मौद्रिक नीति का है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी महादेव गोविंद रानाडे ने सरोजनी नायडू ने दयानंद सरस्वती ने या फिर पंडिता रामाबाई ने तो आपको बताना है कि जो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी तो यह जो है पंडिता रामाबाई ने की थी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है मदर टेरसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्न टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किए भारत अमेरिका यूके या फिर पाकिस्तान तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका ने जो है मदर टेरसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से प्रकाशित किए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है भारत संघ में कितने राज्य हैं सत्ताईस अट्ठाईस तीस या फिर उनतीस तो आपको बताना है भारत संघ में कितने राज्य हैं तो जो है उनतीस राज्य हैं और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं इसे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है बादल फटने का क्या अर्थ है तो बादल जो फटना होता है इसका अर्थ क्या होता है मेघच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात कृत्रिम वर्षा का निर्माण या फिर आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी तो आपको बताना है कि बादल फटने का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है जो है तो इसका अर्थ जो है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है मधुशाला की रचना किसने की सोहनलाल द्विवेदी ने हरिवंश राय बच्चन ने जैनेन्द्र ने या फिर डॉक्टर राजकुमार राव ने राजकुमार वर्मा ने तो जो मधुशाला है इसकी रचना किसने की है तो इसकी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन ने की ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे एथेंस में पेरिस में सेंट लुई ने लुई में या फिर लंदन में तो आपको बताना है कि जो ओलंपिक खेल है यह सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किए गए थे तो यहाँ जो है एथेंस में आयोजित किए गए थे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है अजय अंजलि तेंदुलकर टीना अंबानी नीता अंबानी या फिर हेमा मालिनी तो यह सही इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीता अंबानी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है, है थार्ड का थार्ड जो है क्या है सुपर कंप्यूटर लड़ाकू विमान मिसाइल रक्षा प्रणाली या फिर खुफिया एजेंसी तो जो थार्ड है यह क्या है तो यह जो है एक प्रकार की मिसाइल रक्षा प्रणाली है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मिसाइल रक्षा प्रणाली क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है साबुन कपड़ों के बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है या घोल के पृष्ठ तनाव को कम करता है या घोल को शक्ति देता है या फिर यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है तो जो साबुन होता है कपड़ों को बेहतर सफाई के लिए क्यों आवश्यक है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो यह जो है क्योंकि यह घोल के पृष्टि तनाव को कम करता है इसीलिए साबुन जो है कपड़ों की बेहतर सफाई के लिए आवश्यक होता है ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है आपको स... ये तो सबको पता होगा वैसे सरोजनी नायडू किरण वेदी इंदिरा गांधी या फिर बछेंद्री पाल तो जो पहली महिला आई पी एस है कौन थी तो यह जो है किरण वेदी हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा जी जीएसटी विधेयक पारित किया गया जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आपसे पूछा जाता है कि जो जीएसटी है कब लागू की गई थी तो यह जो है एक जुलाई 2017 को लागू की गई थी इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो जीएसटी है एक जुलाई 2017 को लागू की गई थी और अक्सर पूछा जाता है आपसे कि जो जी है कितने प्रकार की होती है तो जो जी है यह चार प्रकार की होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि मैं यह बहुत बार करा चुकी हूँ कि जी जो है कितने प्रकार की होती है और यह इसके नाम भी मैंने बताए हुए हैं तो आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को जो है पता होगा कि जो जी है कितने प्रकार की होती है और मैंने नाम भी बताए थे कि कितने प्रकार की जो है जी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर से आंसर बताइएगा कि जो जीएसटी है कितने प्रकार की होती है तो इनके नाम इस प्रकार से हैं आईजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी और वीटीजीएसटी तो यह जो है चार प्रकार की जीएसटी हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा और आपसे पूछा जाता है कि जो जीएसटी है इसका पहला अध्यक्ष कौन था जीएसटी जो है इसका पहला अध्यक्ष कौन था तो इसके पहले अध्यक्ष जो है अरुण जेटली थे जो अब नहीं रहे अरुण जेटली थे और आपसे पूछा जाता है कि जो जी है ये जो है भारत जो है कौन सा देश बना था जिसने जी लागू की थी जो जो है एक सौ इकसठवा देश था भारत एक सौ इकसठवा देश था भारत जिसने जी को लागू किया था और सबसे पहले जी एस लागू की गई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले जी जो है कहाँ लागू की गई थी और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जी लागू की गई तो एक सौ एक एक सौ इक्वेंस संविधान संशोधन तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा और जीएसटी में कितने सदस्य होते हैं तो जीएसटी में जो है तैंतीस सदस्य होते हैं ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बहुत डीप पूछना होता है तो पूछ लिया जाता है कि जो जीएसटी है इसमें कितने सदस्य होते हैं तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या तैंतीस होती है तो इसका आप लोग बताइएगा कि लोकसभा द्वारा जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था तो जिस जीएसटी विधेयक जो है लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था तो यह जो है 22 जुलाई 2015 को पारित किया गया था ऑप्शन से इसका सही आंसर है और जीएसटी जो है लागू कब की गई थी 1 जुलाई 2017 को और नियम जो है पारित किया गया था 22 जुलाई 2015 को क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है विश्व पर्यावरण दिवस दो पाँच जून 2017 की थीम क्या थी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर सस्टेनेबल नेचर फॉर फ्यूचर जेंसेंस एफ यू बॉन्ड नेचर विथ ह्यूमनिटी तो आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस था 2017 का उसमें जो है कौन सी थीम थी तो उसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल द कनेक्टिंग पीपल टू नेचर ऑप्शन इसका सही आंसर है तो जो पाँच जून 2022 हजार है इसकी थीम क्या है पाँच जून 2022 तो इसकी थीम है द ओनली अर्थ इसे भी आप लोग याद रखिएगा द ओनली अर्थ द ओनली अर्थ पांच जून 2022 की थीम है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन 2017 बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी बना है तो आपको बताइएगा कि कौन बना है तो यह जो है साकेबल हसन बने हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साकेबल हसन क्वेश्चन नंबर फोर्टी है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दो के साथ सातवें संस्करण का आयोजन किसने किया मतलब कहाँ पिक किया गया है आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु या फिर केरल तो सिया जो है कर्नाटक में किया गया है ऑप्शन भी इसका सही आंसर है तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो जिसमें कि आपको सामान्य हिंदी कराई जा रही है और सामान्य हिंदी जो है बहुत सारे एग्जाम में आती हैं और खासकर जो है पेट है यू पी ट्री प्लस्सी पेट जो है इसमें जो है सामान्य हिंदी बहुत आती है तो आप लोग जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा लेक्चर को लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है पर्ण का तद्भव क्या है पत्र पण पन्ना या फिर पन्न पत्र तो आपको बताना है जो पढ़ है इसका तद्भव क्या है पण मतलब जो है इसका तद्भव बताना है तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध रूप बताना है आपको अशुद्ध रूप और तत्सम मतलब शुद्ध रूप होता है तो जो है पर्ण का अशुद्ध रूप क्या होगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्र होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है अंगीठी का तत्सम क्या है अग्निका अनिष्ठिका अग्निष्ठिका या फिर अग्निष्ठिकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है कि जो अंगीठी है इसका तत्सम क्या है क्योंकि इसमें जो है आप लोग मात्राओं में ध्यान नहीं देते हैं तो इसीलिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोगों का गलत भी हो जाता है तो आप लोग बताइएगा कि अंगीठी का जो तत्सम रूप है इसका क्या होगा तो यह जो है अग्निष्ठिका होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है दिनकर दिवाकर प्रभाकर या फिर सूरज तो इसमें जो है तद्भव शब्द कौन सा है तो यह है सूरज क्योंकि सूर्य जो होता है या या तत्सम होता है और सूरज जो है या तद्भव है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है इनमें से तद्भव है वानर बंदर पवन या फिर पर्यक तो जो तद्भव है इसमें से कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो यह जो है बंदर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है कवि बिहारी मुख्यता किस रस के कवि हैं करुण वीर भक्ति या फिर श्रृंगार तो जो बिहारी हैं या कौन से रस के कवि थे तो यह जो है श्रृंगार रस के हैं और सबसे महान श्रृंगार कौन रस कौन सा होता है तो यह भी श्रृंगार रस ही होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है आपको बताना है कि जो फल है इसका अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है परिणाम हल्का प्रभाव या फिर रस युक्त तो इसमें से जो है हल्का है जो या जो है सब फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है बाकी परिणाम प्रभाव और रस युक्त जो है या फल के अनेकार्थी शब्द हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है 47, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी दूसरा क्या है पानी जीने का ढंग वायु या फिर प्राणी तो जो जीवन है इसका एक अर्थ होता है ज़िंदगी और दूसरा अर्थ क्या है तो यह पानी है क्योंकि बिना पानी के आपकी ज़िंदगी ख़त्म है तो समझ लीजिए कि खत्म है तो इसीलिए पानी जो है जिंदगी का दूसरा नाम है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है निम्नलिखित में से एक शब्द धन धन जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है आपको नहीं है पूछा गया है अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए तो इसमें जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है बादल घना घनिष्ठ या फिर हथौड़ा तो इसमें से जो है घनिष्ठ जो है अधन का अनेकार्थी शब्द नहीं है बाकी बादल घना और हथौड़ा जो है अधन के अनेकार्थी शब्द हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है रमेश की आंख में आंसू बह रहे थे गुरु आप मेरी कुटिया में पधरे में कृकुति हो गया सारा राज्य उसके लिए एक धाती थी अभी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है तो यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ शुद्ध वाक्य चुनिए मैं आपका मैं आपका श्रद्धा करता हूँ मैं आप पर श्रद्धा कर करता हूँ मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ या फिर मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ तो आपको बताना है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ सुधवास में से क्या है तो इसका जो है ऑप्शन सी मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चढ़ रहे थे शुद्ध वाक्य चुनी इसका जो है शुद्ध वाक्य आपको बताना है तो इसका शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन सी है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही थी मैदान में ये जो है और सारे गलत होंगे तो इसका सही आंसर है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी जो है मैदान में चर रही थी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं क्या कहलाते हैं रत, क्रदंत तदंत या फिर कोई नहीं तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है जहरीला बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा प्रत्यय है रीला रीला इला या फिर ईला तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है तो इसमें जो है ईला है मतलब बड़ी की मात्रा जो होगी यह होगा क्योंकि जो है जहरीला मतलब टाइम लग रहा है थोड़ा बोलने में तो इसमें बड़ी की मात्रा होगी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है डिबिया खटिया बिटिया में कौन सा प्रत्यय है तो इसमें लोग बताइएगा कि कौन सा प्रत्यय है तो इसमें जो है ईया है क्योंकि जो है इसमें छोटी की मात्रा बहुत ही हल्का एकदम हो रहा है बिटिया तो जो है इसमें ईया है ऑप्शन भी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है महाशय शब्द का संधि विच्छेद बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछा भी जाता है ये वर्ड महासय जो होता है तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा तो यह जो है ऑप्शन सी है महा प्लस आशय क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है पवन शब्द का विच्छेद है ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन कल कल के भी सेट में था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आप लोग बताइएगा कि जो पावन शब्द सब, पावन शब्द है इसका सही विच्छेद क्या होगा तो यह होगा पौ प्लस सन पौ प्लस सन बराबर पावन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उल्लास जो होता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो इसमें जो है उल तो बिल्कुल ही गलत है ये तीनों ही गलत हैं क्योंकि उल नहीं होगा इसमें से जो है उत लगता है मतलब ला जो है या ता में परिवर्तित हो जाता है तो इसका जो है आंसर होगा उत प्लस लास उल्लास क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है शांत रस का स्थाई भाव क्या है निर्वेद उत्साह जुगुप्सा या फिर हास्य आप लोगों को सारे रस जो है इसके स्थाई भाव पता होने चाहिए क्योंकि एक नए क्वेश्चन जरूर से आता है रस से तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन से रस का जो है कौन सा स्थाई भाव होता है तो आपको बताना है कि शांत रस का स्थाई भाव क्या है तो यह जो है निर्वेद है ऑप्शन है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है गौरव का विलोम शब्द क्या है लाघव रौरव लज्जा या फिर अपमान तो जो गौरव है इसका विलोम शब्द क्या है तो यह जो है लाघो होगा गौरव मतलब बड़ा लाघो मतलब छोटा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा भिज्ञ अभिज्ञ अज्ञ या फिर अभिज्ञ तो जो अनभिज्ञ आन अनिभिज्ञ है इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा तो यह जो है अभिज्ञ होगा ऑप्शन है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है गमन का विलोम शब्द क्या होगा निर्गम गमनागमन आगमन या फिर प्रत्यागमन तो आपको बताना है गमन का विलोम शब्द क्या होगा तो यह होगा आगमन गमन मतलब जाना होता है आगमन मतलब आना होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है साहसी डरपोक कातर या फिर कायर तो इसमें जो है साहसी जो है निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है ऊँट के मुंह में जीरा तो इसका आप लोग बताइएगा कि जो है ऊँट के मुंह में जीरा या क्या होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना जानवर को दवाई देना बड़े प्राणी को सांत्वना देना या फिर बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनना तो जो है ऊँट के मुंह में जीरा अर्थ क्या हुआ तो यहाँ जो है बहुत अधिक खाने वाले के मुंह में बहुत कम देना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है जूते चाटना इधर उधर घूमना घोस देना जूतों को चमक चमकदार करना या फिर खुशामद करना तो जूते चाटना मतलब खुशामद करना मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ये उनके जूते चाटने हैं। मतलब उनकी खुशामदी कर रहे हैं तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती बुरे दिन हमेशा नहीं रहते छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता लकड़ी के बर् लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है या फिर दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती तो आप लोग बताइएगा कि कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती इसका अर्थ क्या होगा तो यह जो है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है सार आनंद आभूषण या फिर रोशनी तो जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो यह जो है आभूषण है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बीस अठारह, सत्रह या फिर छः तो जो श्री कामता प्रसाद जी हैं इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है तो यह जो है बीस होती है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और गाइज अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका पी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा तो वहाँ से आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू कराए जाते हैं लाइव वो भी टाइम लिमिट के साथ तो आप लोग जो है ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है अल्पविराम का चिन्ह को पहचानिए तो जो अल्प विराम है इसका चिन्ह कौन सा है इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो यह जो है ऑप्शन ए है अल्प विराम अल्पविराम तो ये ऐसे होता है ये ऐसे और ये जो होता है ये पूर्ण विराम होता है जब एक बिंदी रखी होती है तो पूर्ण विराम होता है अल्प विराम जिसे हम लोग कॉमा भी कहते हैं ये कॉमा हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है पढ़ते समय मेरी आँखों से पानी निकलता है प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग वचन और कारक बताइए तो आपको बताना है इसमें कौन सा लिंग है कौन सी संज्ञा है और कौन सा कारक है और कौन सा वचन है तो जो पढ़ते समय मेरी आँखों से पानी निकलता है तो इसमें से जो है यह पुरलिंग है निकलता है मतलब जो है पुरलिंग हो गया मे पढ़ते समय मेरी आँखों से मतलब आँख आँखों दिया हुआ है तो इसका मतलब जो है बहुवचन हो गया और आँखों से जो है से जो है ये अपादान का बोध कराता है तो जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पुर्लिंग बहुवचन अपादान क्योंकि आप लोगों को कारक तो पता ही होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग तो जो है अपादान में से आ रहा है ना तो ये ये जो है से जो है अपादान हो जाएगा और आँखों से बहुवचन हो जाएगा और निकलता है मतलब किसी आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पर पुर्लिंग हो जाएगा तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंधित नहीं है मैं हम तू या फिर कोई तो ऐसा कौन सा इसमें जो वर्ड है या पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता है तो या जो है कोई है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है छपा ससक सरवरी या फिर यामिनी तो आपको बताना है कि रात्रि का पर्यावचीन इसमें से कौन सा नहीं है तो यह जो ससक है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यावची कौन सा है पीयूष पावक अंबर या फिर मयंक तो अग्नि का पर्यावचयी कौन सा है तो यह जो है पावक है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है सूर्य का पर्यावची कौन सा नहीं है आदित्य सुशांशु दिवांकर या फिर अंशुमाली तो आपको बताना है सूर्य का पर्यावची इसमें से कौन सा नहीं है तो यह जो है सुशांशु सुशांशु जो है सूर्य का पर्यावची नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है निम्न में से हाथी का पर्यावची कौन सा है कुरंग कुंजर कालाहंस या फिर केहरी तो आपको बताना है हाथी का पर्यावची इसमें से कौन सा है तो यह जो है कुंजर है ऑप्शन भी इसका सही आंसर है तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है गाइज अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल पाएँ और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप सपोर्टिंग गाइस बाय बाय